पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ, दशरथ जी बैठे यज्ञ में। जो ही आहुति दी गई, स्वयं अग्निदेव यज्ञ अग्नि से प्रकट होते हैं। हाथ में चरु का प्रसाद है, वशिष्ठ जी ने जो आहुति के समय मंत्र पढ़ के आहुति दी थी। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज हुआ सिद्धि तुम्हारा। अग्निदेव ने वरदान दिया कि राजा हम इस यज्ञ से प्रसन्न हैं। ये जो हवि है, ये पाइस जो है खीर, ये अपनी रानियों में यथा योग्य बांट देना। यथा योग्य बंटवारा हुआ। रामचरितमानस में तो नहीं, लेकिन अन्य अन्य कथों में लिखा गया है कि ये जो खीर का बंटवारा था, उसमें से कुछ कुछ खीर का प्रसाद एक चील लेके गई, वो अंजनी माता के या गोद में डाल दी, उसका ग्रहण करने श्री श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। यह बड़ी विस्तार की कथा है। यहाँ तीनों माताएं से गर्भा होती है। यही विधि गर्भ सहित सब अयोध्या जी के अंदर चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी है। नवमी के दिन सरयू माता उमड़ रही है। ग्रह तिथि वार नक्षत्र सारे के सारे अयोध्या के ऊपर आकाश मंडल में उपस्थित हो गए हैं। जोग लगन गृह वार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरुआचर जय हर जुते राम जनम सुख मोल। नक्षत्रों में पुनर्वसु नाम का नक्षत्र है। अब ये जो तिथियां थी, ये तिथियां आकाश मंडल में चक्कर लगा रही है और राम जी को कह रही है कि भगवान आप मेरे में आओ। सबसे पहले प्रतिपदा तिथि आई। प्रतिपदा आके कहने लगी, राघवेंद्र मैं मेरे से नूतन वर्षा आरंभ होता है, आप मेरे अंदर आई। फिर द्वितीय आई, वो कहने लगी मैं भैया दूज। तृतीया के कहने लगी मैं अक्षय तृतीया। चतुर्थी कहने लगी मैं गणेश चतुर्थी। पंचमी ने आके निवेदन किया, राघवेंद्र मैं बसंत पंचमी। चंद्र षष्ठी, षष्ठी ने कहा ऋषि सप्तमी। अष्टमी कहने लगी मैं महाअष्टमी।
नवमी बिचारी कोने में खड़ी थी। किसी ने नवमी से कहा कि तुम क्यों नहीं जाती। नवमी कहने लगी, मुझे लोग अमंगल समझते हैं, मैं रिक्त हूँ। नवमी को लोग रिक्ता तिथि मानते हैं, मैं रिक्त हूँ, तो मैं नहीं जाऊं तो ठीक। उपेक्षिता नवमी कोने में खड़ी है। दसवीं आके कहने लगी, आप मेरे में आई, मैं विजय देने वाली। एकादशी ने कहा, मैं देव उत्थान एकादशी। द्वादशी ने कहा, मैं वामन द्वादशी। त्रयोदशी, त्रयोदशी ने कहा, भगवान मेरे में आएंगे तो खूब आनंद होगा, मैं धन त्रयोदशी। अच्छा, एक देवी आई, वह कहने लगी, मैं रूप चौदस। भगवान कहने लगे, नहीं, रूप मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि सहज सुंदर सांवरो, मैं तो सहजता में सुंदरता को देखता हूँ। पूर्णिमा आई, मैं पूर्ण हूँ, मेरे में आइए। अमावस्या कहने लगी, मेरे में आएंगे तो पितरों का आशीर्वाद होगा। भगवान ने सबको मना कर दिया, कहा वो कोने में कौन खड़ी है उसको बुला। नवमी नेत्रों में आंसू भर के भगवान के पास में आके प्रार्थना करती है, भगवान जिसका कोई नहीं उसके आप हो। भगवान ने कहा, नवमी तुम चिंता मत करो, तुम रिक्त हो, मैं रिक्त को परिपूर्ण करने वाला हूं, तुमको भर दूंगा इतनी खुशियों से कि तुम मेरे नाम के साथ, तेरा नाम जुड़ेगा, लोग कहेंगे राम नवमी। आज के दिन किया हुआ कोई कार्य बिगड़ेगा नहीं। नवमी तुम क्यों चिंता करती हो। भगवान कहने लगे, नवमी मैं हमेशा एक रस हूं, नौ का अंक भी एक रस है, एक न न बी न अठारह, आठ एक नौ, एक न बी न अठारह, तीन सताइस, दो और सात नौ, तीन न छत्तीस, तीन और छह नौ, नौ का जैसे पहाड़ा हमेशा नौ पर रुका रहता है, न तो आगे बढ़ता है न पीछे हटता है, उसी प्रकार राम जी कहते हैं कि नौ का अंक तो बहुत अच्छा है, इसलिए नौमी को लिया। और नौमी तिथि दोपहर के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में सुर समूह विनती करी पवन से निज निज धाम। देवता भगवान की नवमी के दिन विनती करके अपने अपने धाम को पहुंचते हैं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रगटे प्रभु अखिल लोक विश्राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। कौशल्या माता के महल में भगवान चार भुजा में प्रकट हुए हैं, चार भुजा में। कौशल्या माँ भगवान की स्तुति करती है और कहती है, भगवान
हमने तो धेनुमती नदी के किनारे जो वरदान मांगा था, आपने कहा था पुत्र बन के आएंगे, आप तो पिता बन के आए। कौशल्या माँ कहने लगी, भगवान ने कहा माँ क्या करूं, कहा अपने दो हाथ हटाओ। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप में अवतार लेते हैं, वनमाला से सुशोभित हैं। माता के कहने से भगवान ने अपने दो हाथ हटा लिए। सज्जनों, कौशल्या माँ कहने लगी, आपको अगर रघुवंश की माता का वात्सल्य प्राप्त करना है तो आपको छोटा होना पड़ेगा। भगवान तुरंत छोटे हो जाते हैं। माँ अब ठीक है? कौशल्या अम्बा कहती है, आप छोटे हो गए लेकिन आपका प्रागट्य हुआ है, ये लोग जानेंगे कैसे? कुछ शिशु लीला कीजिए। माँ तो क्या करूं? कौशल्या अम्बा ने कहा, आपको रोना पड़ेगा, रोना। गोस्वामी बाबा इतना सुंदर शब्द चुनते हैं, कौन सा? सुनि वचन सुजाना रोधन ठाना संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब अयोध्या में यह समाचार जिस किसी को मिला, सुनि से सुरोदन परम प्रिय पानी, सुनि से सुरोदन परम प्रिय पानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, भगवान ने इधर
रोने की लीला की तो अयोध्या के राज महल में सबको पता चल गया कि कौशल्या अंबा को संतान प्राप्ति हुई है, लेकिन संतान में लड़की हुई एक लड़का ये पता नहीं। एक दासी ने आके दशरथ जी से कहा, महाराज बधाई हो बधाई। दशरथ जी ने कहा, किस चीज की बधाई? वो कहने लगी, दशरथ पुत्र जन्म सुनी समाचार प्राप्त हुआ कि पुत्र रत्न हुआ है, दशरथ जी तो परमानंद में डूब गए। कहा, बाजो वालों को बुलाओ। ना तुरंत एक आदमी को भेजा कि बधाइयां शुरू करो, और तुरंत गुरु जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ कह गए, अब तो राज दरबार के सामने पूरी अयोध्या का समाज सब बधाई देने आ रहे हैं, और सब क्या एक ही बात कहते हैं, अवध में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद शुभ समाचार अयोध्यावासी कहने लगे, पाए शुभ समाचार निपके कुमार भय, अवधपुर वासी मन फूले न समाए हैं,
आए अनुराग भरे भूप को बधाई दे, नाए नाए शीश दिन वचन सुनाए है। धन्य भूपाल राजेश मणि रघुवंश धन्य, धन्य धन्य सपूत जिन जाए हैं। जीवन को फल पायो अवध निवासी ने, चौथे पल भूपति ने चार चार फल पाए हैं। इधर सुमित्रा मैया को, कौशल्या मैया को भी, कौशल्या जी ने राम जी को जन्म दिया, और सुमित्रा जी है वो लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न लाल को जन्म देती है। केकई अम्मा ने भरत जी को जन्म दिया। अब तो भाई अयोध्या में क्या हो रहा है, चारी 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 प्रगटे ललनवा भवनवा में।